नमस्कार बंधुगण, आपणकर किछि भूल पई घर को दरिद्रता माड़ी आसे। बंधुगण जदि आपण धन रोजगार पई खूब परिश्रम करुछंती तथापि भी आपण उन्नति करि पारु नहंती, टंका पैसार अभाव आपणकु देखा देउची, तेबे निश्चित ही आपण वास्तु सम्बन्धीय किछि ना किछि भूल करुछंती। तेबे चालंतु से भूल गुड़िक विषय रे जानिबा। बंधुगण आपण मानंतु कि न मानंतु, किंतु वास्तुर प्रभाव मनुष्य उपरे पड़ी थाए। वास्तु बिगिड़िले धन हानि हेबा सहित हेबाकु जाउथिबा कार्यगुड़िक मध्य अटकी रहे, किंबा घरर सदस्यंकर देह असुस्थ होइथाए। आपण जेते धन रोजगार कले मध्य ताहा आपणंकु नियंत होइथाए, टंका पाणि भळी हातरु खर्च होइजाए। सर्वदा किछि ना किछि समस्या लागी रहे। जदि आपण वास्तु सम्बन्धीय किछि भूल करुछंती, तेबे आपण दरिद्रतार शिकार हेबे। आपण सबुबेले ऋण करज भारे बुड़ी रहिबे। तेणु ए भिडियो रे कुहा जाउथिबा वास्तु नियम गुड़ी निश्चय पालन करंतु। से नियम गुड़िक विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु, एवं मो चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय मां लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। नंबर एक, वास्तुशास्त्र अनुसारे संध्या परे झाड़ू लगाइबा उचित नुहे। संध्या परे झाड़ू लगाइले घरे दरिद्रतार बास हुए। जेऊ घरर लोक माने संध्या परे झाड़ू लगांती, सेमिति घर कुमा त्याग करिथांती। से व्यक्ति उपरे मा लक्ष्मी सर्वदा क्रोधित होइथांती। जेऊ घरे रातिरे झाड़ू मारा जाए से घरे अलक्ष्मीर बास हुए। जदि आपणंक घरे सर्वदा धनर अभाव देखा देउची, तेबे एहा धन हानिर एक मुख्य कारण होइपारे। तेणु आजिठारु ही राति समय रे झाड़ू लगाइबा बंद करंतु। नंबर दुई, बंधुगण जदि संध्या समय रे आपणंक घरर मुख्य द्वार निकटरे आपण अंधार करि रखुछंती, तेबे आपणंकु सर्वदा धनर अभाव देखा देबो। बंधुगण पौराणिक मान्यता अनुसारे जेउ घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे संध्या समय रे दीप जळु थाए से घरकु मा लक्ष्मीकर प्रवेश हुए, एवं जेउ घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे अंधार रहे से घरकु मा लक्ष्मीकर भौणी अलक्ष्मी माने दरिद्रतार प्रवेश होइथाए। सेइथिपई सर्वदा संध्या परे निज घरर समस्त आलुओकु जलाई दियंतु, एवं द्वार बंधरे गोटे घिअर दीप निश्चित जलांतु। नंबर तीन, बंधुगण जेऊ घर सफा सुतुरा रहे सेही घरे ही मां लक्ष्मीकर बास होइथाए। मां लक्ष्मी हेउछंती शुद्धता और पवित्रतार देवी, तेणु निज घर को सर्वदा सजाईकी सफा सुतुरा करी रखंतु। जेऊ घर अपरिष्कार थाए एवं जेऊ घरे जिनिसपत्र एणे तेणे फपड़ा होई रहिथाए, सेमिति घरे मां लक्ष्मीकर बास हुए नाही। तेणु जदि आपण निज घरे स्थिर लक्ष्मीर वास चाहुछंती, तेबे सर्वदा घर को परिष्कार करी रखंतु। नंबर चार, बंधुगण जदि आपणक घरर नळरु सर्वदा टप टप होई पाणी बहु थाए, तेबे एहाकु वास्तुशास्त्र हिसाबरे अशुभ माना जाए। एथिरे धन हानि हेबार संभावना थाए एवं स्वास्थ्यगत समस्या मध्य देखा दिए। तेणु निज घरर पाणीर पाइप्रु टप टप होई पाणी पड़िबाकु दियंतु नाही। नंबर पाँच, वास्तुशास्त्र अनुसारे आपण प्रतिदिन पूजा करिबा उचित। पूजा पाठ करागले घरु नकारात्मक शक्ति दूर हुए। जेउ घरे पूजा पाठ करा जाए नाही से घरे सर्वदा धनर अभाव देखा दिए। घरर सदस्य मानंकर उन्नति रे बाधा आसे। तेणु प्रतिदिन सकाळु उठी किछि समय पई पूजा पाठ निश्चित करंतु, एवं भगवानंकु ध्यान करंतु, तांको नाम जप करंतु। नंबर छ, सर्वदा निज घरर बाथरूम रो कबाट एवं झरका को बंद करी रखंतु। वास्तुशास्त्र अनुसारे जदि आपण सर्वदा निज घरर बाथरूम रो कबाट झरका को खोला रखुछंती, तेबे घरे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव बढ़िबाकु लागे एवं घरे धनर अभाव लागि रहे।
नंबर सात जदि आपण घरे सर्वदा केही ना केही बेमारे पड़ुछंती तेबे आपण निज घरे मरी जाइथिबा किंबा सुखी जाइथिबा गच्छ को तुरंत अपाड़िकी फिंगी दियंतु। मृत गच्छ घरे रहिले स्वास्थ्य हानिर कारण पालटी जाए। घरे जदि गच्छ अछि तेबे से गच्छरे प्रतिदिन पानी दे ताहाकु सतेज रखंतु। नंबर आठ घरर मुख्य द्वार पाखापाखि छुरी चाखुबळी धारुआ अस्त्रशस्त्र रखंतु नाही। एथिरे घरे पारिवारिक अशांति लागि रहे। नंबर नौ वास्तुशास्त्र अनुसारे रातिर अइंठा बासन को रातिरे ही माजी देबा कथा। जदि आपण रातिरे रोसेई घरे सिंकरे अइंठा बासन रखी सोउछंती तेबे एहा अत्यंत अशुभ अटे। एही कारणरु माँ लक्ष्मी एवं माँ अन्नपूर्णा आपणक घर उपरे क्रोधित होइथांती। एहार प्रभाव आपणकर आर्थिक स्थिति उपरे पड़िथाए। नंबर दस झाड़ू को गोड़ लगाइबा किंबा झाड़ू को डेई जीबा आसीबा करिबा उचित नुहे। झाड़ू को माँ लक्ष्मी प्रतीक माना जाए तेणु झाड़ू को गोड़ लगाइबा उचित नुहे एवं झाड़ू को सर्वदा लुचाई रखिबा उचित। झाड़ू को ठिया करी रखंतु नाही सर्वदा सुवाई तले रखंतु। सोइबा व्यक्तिर मुंड आड़े झाड़ू रखिबा अत्यंत अशुभ अटे। नंबर एगार गाधोई सारी बाथरूम को अपरिष्कार करी रखंतु नाही। बाथरूम को सर्वदा सफा सुतुरा रखंतु। नंबर बार बंधुगण प्रत्येक हिंदू घरे तुलसी माँ को पूजा करा जाए तेणु ध्यान रखंतु जे संध्या परे आउ तुलसी गच्छ को छुईबे नाही कि तुलसी पत्र छिंडाइबे नाही। संध्या समय रे तुलसी मूलरे गोटे घीअर दीप जलाइबे। संध्यारे तुलसी मूलरे अंधकार रखिले माँ लक्ष्मी रुष्ट हुवंती एवं आपणक गृह को त्याग करिथांती। नंबर तेर वास्तुशास्त्र संध्या परे चुट्टी दाढ़ी एवं नख काटिबाकु बारण करा जाइछि। जेऊं व्यक्ति एही नियम को पालन करे नाही एवं संध्या परे चुट्टी दाढ़ी एवं नख काटिथाए से सर्वदा दरिद्र होई रहे। जेते टंका रोजगार कले मध्य ताहा नियंत होइथाए। नंबर चौदह वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र अनुसारे रोसेई घरे थिबा किछि जिनिष आपणक भाग्य सह जड़ित अटे। रोसेई घरे थिबा हलदी बृहस्पति ग्रह सह एवं क्षीरर संबंध चंद्र सह जड़ित अटे। एही जिनिष को अन्य को देले मां लक्ष्मी से घरु दूरेई जांती। नंबर पंदर जदि आपण निज घर मुख्य द्वार सम्मुखरे जोता चप्पल को एणे तेणे पकाई रखुछंती तेबे एमिति कले माँ लक्ष्मी आपणक उपरे क्रोधित हेबे एवं आपणक घरे हेबो दरिद्रतार वास। तेणु मुख्य द्वार सम्मुखरे जोता चप्पल को आपण सजाई रखंतु नहेले जोता रैक्रे जोता सजाई रखिपारे। नंबर षोहल बंधुगण जदि आपण घरर मुख्य द्वार निकटरे किंबा घरर पूर्व दिगरे डस्टबिन रखिछंती एथिरे घरे वास्तु दोष बढ़े। नंबर सतर वास्तुशास्त्र अनुसारे घरे भंगा काच भंगा आईना भंगा बासन कुसन किंबा अन्य कौनसी भी भंगा भंगी जिनिष रखिबा अत्यंत अशुभ अटे। एमिति कले घरे नकारात्मकता बढ़िथाए एवं घरे सर्वदा धनर अभाव लागि रहे। नंबर अठर बिछुणारे बसिकी किंबा सोइकी किंबा छिड़ा होइकी खाद्य खाइबा उचित नुहे। एमिति कले माँ लक्ष्मी रुष्ट हुवंती। खाइबा समय रे जदि खाद्यरु गोड़ी किंबा चुट्टी बाहरे तेबे से खाद्य खाइबा उचित नुहे। केही जदि खाद्य को डेंकी चली जाए तेबे मध्य से खाद्य को खाइबे नाही। नंबर उन्नीसी बाथरूम रे खाली बाल्टी रखंतु नाही नहेले घरे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव बढ़े। नंबर कोड़िए छिंडा फटा लुगा पिंधंतु नाही
ଛିଣ୍ଡା ଫଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସେ। ଛିଣ୍ଡା ଫଟା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ। ନମ୍ବର 21, ନିଜ ପର୍ସକୁ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ପର୍ସରେ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ, ପର୍ସରେ କୌଣସି ଫଟୋ ବିଲ୍ ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 22, ଘରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ କବାଟକୁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଘରର ଅନ୍ୟ କବାଟ ମୁଖ୍ୟ କବାଟଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ। ନମ୍ବର 23, ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ କେବେ ବି ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ପତ୍ର ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 24, ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଭାରୀ ଜିନିଷ ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖିଲେ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ। ନମ୍ବର 25, ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ନୂଆ ଘର ବନାଇଲେ କିମ୍ବା କିଣିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାଇଲେ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଶୋକ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 25ଟି ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଯାହାକୁ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ, ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରି ଉଠିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ।